हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट वर्ड जिसको प्रिडिक्ट करना है उन दोनों के बीच में गैप अगर स्मॉलर है तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वर्क करेगा, लेकिन अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे न्यू वर्ड प्रिडिक्ट होना है उनके बिटवीन गैप बहुत ज़्यादा होगा तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसकी वजह से जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसको स्टोर नहीं कर पाता है आगे की प्रेडिक्शंस के लिए। तो इन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हमें LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ करना पड़ता है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स आर स्पेशल काइंड ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कैपेबल ऑफ लर्निंग लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? एक स्पेशल काइंड है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का, यानी ये भी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क टाइप का ही नेटवर्क है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को लर्न करने की कैपेबिलिटी होती है। तो LSTM में क्या होगा, जो प्रीवियस लेयर्स की इंफॉर्मेशन होगी उसमें से जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जिससे न्यू वर्ड जो है आगे के प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं उनको वो स्टोर करके रखता है मेमोरी में। तो इसीलिए कहा गया है कि उसमें लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज होती है, यानी प्रीवियस के वर्ड्स से भी जो न्यू वर्ड प्रिडिक्ट होने हैं उनको भी वो स्टोर करके रखता है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हमने देखा था कि क्या होता है कि मल्टीपल हिडन स्टेट्स होती हैं और हर स्टेट के अंदर एक 10H एक्टिवेशन फंक्शन वर्क करता है जिसमें जिसको इनपुट दिया जाता है प्रीवियस लेयर की हिडन स्टेट का आउटपुट और न्यू इनपुट्स जो हैं, जितने वर्ड्स होते हैं उतनी टाइम स्टैम्प का न्यूरल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टी टाइम स्टैम्प पे क्या होगा, XT इनपुट जाएगा 10H एक्टिवेशन फंक्शन के पास और प्रीवियस लेयर का जो हिडन स्टेट का आउटपुट HT-1 ये इनपुट जाएगा और ये जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था वो HT था जो कि नेक्स्ट लेयर को एज ए इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा था। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ऐसे वर्क करता था। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता था, दी रिपीटिंग मॉड्यूल इन ए स्टैंडर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कंटेन्स ए सिंगल लेयर दैट इज 10H। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो स्टैंडर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसमें एक जो रिपीटिंग मॉड्यूल्स है, ये क्या है, रिपीटिंग मॉड्यूल्स है जिनको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उनके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती थी 10H की। जबकि LSTM में क्या होता है, LSTM कंटेन्स 4 इंटरेक्टिंग लेयर्स और न्यूरल नेटवर्क्स इन ए रिपीटिंग मॉड्यूल एंड डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। जबकि हम देखेंगे कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर 4 ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स होंगे रिपीटिंग मॉड्यूल के अंदर और साथ ही साथ उसके पास डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स होंगे जिन्हें सेल्स कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर LSTM की यूनिट देखें, यहाँ पर ये रिपीटिंग मॉड्यूल्स हैं, ये प्रीवियस T-1 टाइम स्टैम्प LSTM की यूनिट है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी की यूनिट है, और ये जो है T टाइम यूनिट पे हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये रिपीटिंग मॉड्यूल्स हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में, यहाँ भी रिपीटिंग मॉड्यूल्स होंगे ऐसे LSTM में, लेकिन LSTM के अंदर जो रिपीटेबल मॉड्यूल होगा उसके अंदर 4 न्यूरल नेटवर्क्स होंगे, या कह सकते हो 4 लेयर्स होंगी, या कह सकते हो इनके अंदर 4 गेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ये फॉरगेट गेट, ये जो है इनपुट मॉड्यूलेशन गेट है, ये इनपुट गेट है और ये आउटपुट गेट है। तो ऐसे करके 4 गेट्स होते हैं या 4 लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू जो है आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पर HT हिडन स्टेट आउटपुट के साथ साथ सेल स्टेट आउटपुट भी जनरेट करता है LSTM यूनिट। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जो आउटपुट था वो हिडन स्टेट का आउटपुट था, जबकि यहाँ पर जो आउटपुट जनरेट होता है वो हिडन स्टेट आउटपुट के साथ साथ सेल स्टेट का आउटपुट भी होता है। तो जैसे ये यूनिट भी देखो तो इसमें भी जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, HT-1 और CT-1। यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा, CT और HT। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स में शो किए गए हैं, स्क्वायर में शो किए हैं, वो न्यूरल नेटवर्क लेयर हैं, और ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है ये पॉइंट वाइज या एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा दोनों के स्ट्रक्चर में। RS रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ सिंगल लेयर होती है 10H की, और ये हिडन स्टेट का आउटपुट जनरेट करता है, कोई भी सेल स्टेट या मेमोरी नहीं होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के पास। जबकि LSTM यूनिट के पास, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट के पास 4 लेयर्स होती हैं,
सिग्मोइड की तीन होती हैं और एक टेनएच की होती है, और ये जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो दो होते हैं, एक सेल स्टेट होता है और एक एचटी होता है जो कि नेक्स्ट स्टेट के पास जाता ही है। अगर सिकरेंट यूनिट को आउटपुट जनरेट करना है ओटी तो वो भी जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर भी हर लेयर पे आउटपुट जनरेट होता है, लेकिन ओटी के साथ साथ सीटी और एचटी भी रहेगा यहाँ पर। तो कुछ टर्म्स हम एलएसटीएम में यूज़ करेंगे जो हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में नहीं यूज़ किए थे, तो पहले उनको समझ लेते हैं कि उनका क्या यूज़ है यहाँ पर एलएसटीएम में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एलएसटीएम को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। तो यहाँ पर एक यूज़ होगा टर्म सेल स्टेट, जो मैंने आपको बताया ही था कि हर एलएसटीएम यूनिट जो है वो एक सेल स्टेट प्रोड्यूस करती है। तो सेल स्टेट क्या है, मेमोरी ऑफ एलएसटीएम नेटवर्क है ये। इट कैरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द प्रोसेसिंग ऑफ द सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस ऑफ डेटा दे रहे हो या जो भी सेंटेंस या पैराग्राफ आप दे रहे हो, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दे रहे हो, तो ये क्या करता है सेल स्टेट कि हर टाइम स्टैम्प पे जो इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिस जो उसको रखनी है स्टोर करके मेमोरी में, उसको वो कैरी करता है, उसको वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, टाइम स्टैम्प वन पे जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको रख देगा, टाइम स्टैम्प टू पे जो इंपॉर्टेंट होगी उसको सेल स्टेट में स्टोर कर दिया जाएगा, टाइम स्टैम्प थ्री पे जो होगी उसको रख दिया जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन जो काम की नहीं है उसको फॉरगेट करता जाएगा, वो उसको सेल स्टेट में नहीं रखेगा। एज द सेल स्टेट गोज ऑन इट्स जर्नी, इन्फॉर्मेशन गेट्स एडेड और रिमूव टू द सेल स्टेट वाया गेट्स। तो जैसे जैसे सेल स्टेट जो है मल्टीपल टाइम स्टैम्प्स में मूव करता जाता है, वैसे ही उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर दिया जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो एलएसटीएम में जो है वो थ्री टाइप्स के गेट्स होते हैं, एक इनपुट गेट, एक फॉरगेट गेट और एक आउटपुट गेट। इनपुट गेट में दो टाइप्स के गेट हैं, एक है इनपुट मॉड्यूलेशन गेट और एक सिंपल इनपुट गेट। यहाँ पर दो गेट्स वर्क करते हैं। The gates are different neural networks that decide which information is allowed onto the cell state. तो gates जो हैं वो different neural networks हैं एक तरह से, जो decide करते हैं कि किस information को जो है cell state में store करके रखना है। क्योंकि मैंने क्या बताया, cell state में जो relevant information है, जो important information है, वही store हो सकती है, क्योंकि उसकी length भी finite होगी, सारी information को तो store नहीं किया जा सकता है। तो जो important information है जो सेल स्टेट में होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करते हैं, ये डिफरेंट गेट्स, ये तीनों गेट्स। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द गेट्स कैन लर्न व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू कीप और फॉरगेट। तो जब हम एलएसटीएम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं तो जो गेट्स हैं ये लर्न करते हैं कि किस कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट होगी जिसको हमें रखना है, और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है इररिलेवेंट होगी, जो अनइम्पॉर्टेंट है, जिसको फॉरगेट करते जाना है। एलएसटीएम में अगर हम देखें तो एक ही सिग्मोइड फंक्शन आपको दिख रहा है, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, और एक दिख रहा है टेनएच एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पर तीन तीन सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि इनकी रेंज होती है बिटवीन 0 to 1। तो सिग्मोइड फंक्शन क्या करते हैं, इट इज़ हेल्पफुल टू अपडेट और फॉरगेट डेटा बिकॉज एनी नंबर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0 कॉजिंग वैल्यूज टू डिसअपियर और बी फॉरगॉटन। क्योंकि सिग्मोइड फंक्शन में वैल्यूज 0 और 1 की रेंज में होती हैं, सिग्मोइड फंक्शन के थ्रू ही ये पता चलेगा कि किस इन्फॉर्मेशन को रखना है और किस इन्फॉर्मेशन को नहीं रखना है। क्योंकि जिस भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके साथ 0 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगी, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन हमें फॉरगेट करनी है। और जिस इन्फॉर्मेशन को हमें रखना है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस कंसेप्ट के साथ सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ किया गया है, जिससे पता चल सके कि कौन से इन्फॉर्मेशन को रखना है और कौन से इन्फॉर्मेशन को फॉरगेट करना है। तो इट इज़ हेल्पफुल टू अपडेट और फॉरगेट डेटा बिकॉज एनी नंबर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0 कॉजिंग वैल्यूज टू डिसअपियर और टू बी और बी फॉरगॉटन। एंड इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय लिख देना, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम वैल्यू, देयरफॉर दैट वैल्यू स्टेज द सेम और इज कैप्ट। तो जिस भी वैल्यू का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू जो है वो स्टोर ही रहेगी सेल स्टेट में, उसको हम वहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो क्रॉस था वो सारे जो थे वो एलिमेंट वाइज या पॉइंट वाइज प्रोडक्ट थे। और पॉइंट वाइज प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे दो वैक्टर्स हैं, एक है 1 2, इसका पॉइंट वाइज प्रोडक्ट करना है हमें 2 3 से,
तो यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होता है, वन का टू के साथ मल्टीप्लाई और टू का थ्री के साथ मल्टीप्लाई, तो वन इंटू टू इज़ टू, टू इंटू थ्री इज सिक्स, तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि LSTM कैसे वर्क करता है।